एवरेज लोकल एवरेज निकाल रही है 19 का। कैसा लग रहा संजय भाई चला के? जबरदस्त यार। सबसे अच्छी चीज पता क्या है इसका? लोगो यार, लोगो चेंज करके ना महिंद्रा वाले ने बहुत अच्छा काम करा। रूफ नहीं है इसमें, रूफ की कमी है। रूफ की कमी नहीं है लेकिन वो भी कुछ। तो दोस्तों ये है अपनी महिंद्रा थार, अभी राजा भाई ड्राइव करके आए हैं, अब मैं चला के देख लेता हूँ। एक बार राजा भाई बॉल ग्राउंड बना लो यार। क्या हाल है मित्रों? तो आज मोहित भाई हैं साथ में। क्या हाल है मोहित भाई? बढ़िया। तो आज महिंद्रा थार की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं राजा भाई। बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? चल रही है बढ़िया यार। क्या हाल है मित्रों? तो भाइयों आज देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है बैकग्राउंड में। ये भाई बहुत शर्माता है और इसकी देख रहे हो, ये देखो पूरा गोली की तरह लंबा हो रहा है लेकिन जो भी है बढ़िया। और पीछे देख रहे हो यार बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ पे यार हम वीडियो शूट करने आए थे, है ना, वीडियो बनाने आए थे किंग कार बाजार पे। बाकी बताओ संजय भाई क्या सिस्टम हुआ यार अभी? वगैरह आज हम सोच रहे थे कुछ बढ़िया लेके आएंगे, और गाड़ियां देख रहे हो सारी नई। ये देखो दिखाएंगे आप सभी को रेस वगैरह। होंडा सिटी खड़ी है, ये होंडा सिटी है, उधर वॉक्स वैगन। बाकी जिस किसी ने भी लेनी है ना डिस्टिंग व्हील्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। बिल्कुल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हमारा मेन चैनल है दोस्तों, है ना। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आज क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यार सुखी बाजी है नहीं, सुखी बाजी नाम है ना उनका, सुखी बाजी है नहीं। हम सोचे कि आएंगे वहाँ वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज स्टॉक तो है यहाँ पे बहुत सारा, लेकिन वो नहीं है, वो शादी में गए हैं। तो चलो यार अब बांटते हैं आगे। एक टेनर वाला जो भाई था उनका फोन आया था, तो उनसे मीटिंग करते हैं एक बारी, और कार टेनर वाले से ही मिलेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अभी आगे हम लोग स्पेशल जगह बिल्कुल थार के महिंद्रा वालों के शोरूम में आए हैं ना संजय भाई। आर्मी वाली थार देखने आए हैं, क्योंकि बुकिंग करी थी हमने, टेस्ट ड्राइव हमने बुक करी थी। तो आज उसका दिन तो पहले से था, लेकिन हम टाइम आज मिला तो हम यहाँ पे आए हैं, और अभी टेस्ट ड्राइव लेंगे हम थार की जो नई आई है। थार स्पेशल की हम अभी वो भी बताते हैं, जो 4x4 में है ना उसका जो प्राइस है ना, और जो नई वाली थार आई है उसका प्राइस सुनने के बाद ना दिल करेगा यार कोई और गाड़ी चाहिए ही नहीं, थार ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कम 7 से 8 लाख का आराम से। 10 लाख के अंदर आपको मिल जाती है महिंद्रा की थार नॉर्मल वाली, जो अभी नई 1500cc के इंजन के साथ आ रही है, और एवरेज भी मिल जाता है गाड़ी, एवरेज भी भर के मिल जाता है। बाकी लुक्स थोड़े से आपको दिखा देते हैं, ये देखो ये 4x4 है, ये 4x4 में है, पीछे अपनी थार भी खड़ी है, उसके पीछे स्कॉर्पियो एन भी खड़ी है। तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं वहाँ पे वीडियो, ये वाली है न्यू वाली लुक देख रहे हो, मतलब सामने से देख के ना बिल्कुल भी नहीं पता लगने वाला है, सामने से देख के ना बिल्कुल भी नहीं पता लगने वाला है 4x4 वाली है कि नॉर्मल है। बिल्कुल सेम लुक, बिल्कुल सेम है, सिर्फ इंजन थोड़ा सा कम कर दिया गया है, और कम करने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ही कम कर दिया, बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार वो गाड़ी भी, इनफ है। बस ये है कि जैसे नदियों में घुसा रहे थे ना, वो काम नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन रिस्क थोड़ा सा, रिस्क फंसने का रिस्क इंजन बंद करने का ना, और बाहर जैसे पहाड़ बोर्ड पे चलाने के लिए उसके लिए तो ठीक है यार, इनफ है इतना, 1500cc होता है, जहाँ मर्जी ले जाओ। हम होंडा सिटी भी लेके कहाँ कहाँ गए हैं, और उसका भी सेम इंजन है 1500cc, बहुत पावरफुल है, बढ़िया चीज़ है, ये भी बढ़िया चीज़ है गाड़ी। बिल्कुल, तो चलो मिलते हैं आगे। क्या हाल है मित्रों? तो आज मोहित भाई हैं साथ में। क्या हाल है मोहित भाई? तो आज महिंद्रा थार की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं राजा भाई। बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? चल रही है बढ़िया यार, काफी यार हमारी एसयूवी से तो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि नई भी है ना यार, हमारी 2012 मॉडल है। और ये एक्सपीरियंस तो अच्छा है, अभी चला के भी देख रहे हैं, अंदर जाके बात भी करके आएंगे क्या रेट पड़ेगा, फिर देखते हैं करेंगे फाइनल यार। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, अभी बाहर से ओवरऑल लुक भी दिखा देंगे एक बार आपको। नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी में भी शिफ्ट होने वाले हैं हम लुक पे, है ना। बिल्कुल, चलो मिलते हैं आगे। क्या हाल है मित्रों? तो मित्रों अभी अपन ड्राइव कर रहे हैं थार जो नई आई है ना 1500cc में, और एवरेज लोकल एवरेज निकाल रही है 19 का, है ना मोहित भाई? बिल्कुल। और हाईवे पे कितना निकाल रही है? हाईवे पे आप डिपेंड है, ड्राइव पे 20 प्लस दे देगी आराम से। अच्छा, मतलब हाईवे पे 20 प्लस दे देगी, 60-70 के पे चलाएंगे तो 22 भी निकाल देगी आराम से, है ना, ये चीज बढ़िया है। तो दो देखते हैं, ड्राइव कर रहे हैं अभी, पसंद आई संजय भाई को तो संजय भाई कर देंगे फाइनल। तो दोस्तों ये है अपनी महिंद्रा थार, अभी राजा भाई ड्राइव करके आए हैं, अब मैं चला के देख लेता हूँ। एक बार राजा भाई बॉल ग्राउंड बना लो यार। तो अभी अपन ने तो चला ली, अब बारी संजय भाई की है, क्योंकि संजय भाई ने लेनी है।
तो टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। सबसे पहले आप पानी लीजिए टेस्ट ड्राइव, संजय भाई लेंगे। क्लच दबाते ही स्टार्ट हो जाएगी। फीचर अच्छे अच्छे इसमें बहुत ज़्यादा है ना। और अगर वीडियो बनाने का मौका मिला तो डेस्टिनी भी इसमें फुल ब्लॉग इसका बना के वीडियो बनाएंगे, है ना। बाकी यार हमने मैनेजर से ही बात कर ली है, मैनेजर है नहीं ना भाई यहाँ पे, नहीं बोल रहे हैं जैसे अगर वीडियो के रिगार्डिंग बात करनी है तो किससे बात करनी पड़ेगी? तो जीएम भाई से, जीएम सर से बात करनी पड़ेगी। तो वो अवेलेबल होंगे अभी? अभी नहीं होंगे, लेकिन जो भी होगा हम एक बार मोहित भाई का नंबर ले लेंगे और जब भी अवेलेबल होंगे तो हम पहले मीटिंग करेंगे, है ना। उसके बाद बनाएंगे ना नई गाड़ी में भी आएंगे यार, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी तो बहुत दिखा ली आप लोगों को, अब नई गाड़ी में भी आएंगे बहुत जल्दी ना, क्योंकि नई गाड़ी का क्रेज ज़्यादा है। और ये अपनी ब्रांड न्यू थार बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको, कैसा लग रहा है संजय भाई चला के? जबरदस्त यार। सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है इसका? लोगो यार, लोगो चेंज करके ना महिंद्रा वाले ने बहुत अच्छा काम करा। रूफ नहीं है इसमें, रूफ की कमी है। रूफ की कमी नहीं है, लेकिन वो भी कुछ सालों में आ जाएगा ना, वो भी ये खुलता है थोड़ा बहुत। अच्छा, ये तो बढ़िया है, मतलब हमें मैनुअल खोलनी पड़ेगी। हाँ, मैनुअल खोलनी पड़ेगी, मतलब अगर हम सनरूफ खोलना चाहें तो खुल जाएगा, पर वो मैनुअल इसके नट वगैरह खोलने पड़ेंगे थोड़े बहुत, तब जाके खुलेगा। इसमें एक सबसे बढ़िया कि व्हाइट कलर आ रहा है। अच्छा, व्हाइट कलर भी आ रहा है। अच्छा, व्हाइट कलर भी आ गया। हाँ, व्हाइट कलर की थार अभी तक किसने नहीं देखी होगी, लेकिन जो अब आ रही है 1500cc में कि 4x4 में भी, सिर्फ 1500cc में व्हाइट रंग की भी थार आ रही है अब। अगर आपको व्हाइट रंग पसंद है तो वो भी आप ले सकते हो, है ना। बाकी संजय भाई ड्राइव कर रहे हो, बताओ भाई कुछ एक्सपीरियंस। मजा आ रहा है यार, स्मूथ चल रही है, सही स्मूथ है ना। अपनी होंडा सिटी से सही चल रही है। हाँ यार, ये तो है, मतलब वो नहीं है कि हमने 4x4 भी चलाई थी, सेम ही चल रही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। उड़ेगी तो है ही है। चलो मित्रों, मित्रों ये अपनी ब्रांड न्यू थार, आप बताओ कैसे कर सकते हैं? तो अभी हमने ले लिए थार की टेस्ट ड्राइव और बहुत मजा आया लेके, है ना संजय भाई। और अंदर चलते हैं, बात वगैरह करते हैं, कितने महीने की वेटिंग है इसकी, क्या है ना, क्योंकि हमने दिसंबर में इसको लेनी है ना, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। अगर दिसंबर तक हमें मिल जाएगी तब तो हम इसको टोकन वगैरह डाल देंगे, बाकी देख लेंगे हमारी, है ना। चलो अंदर चलते हैं। तो मित्रों, तो भाइयों, अभी हम लोग आ गए हैं, कहाँ पे आए संजय भाई? आज की वीडियो बहुत खास थी वैसे तो, अभी हम कृष्णा मार्केट में हैं। हाँ, और थार दिखाई आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना। बिल्कुल, और एवरेज ही बहुत अच्छा निकाल के दे रही है यार, 19 की एवरेज निकाल के दे रही है। इंजन थोड़ा कम कर दिया, 1500cc का इंजन कर दिया, बट उस हिसाब से मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है यार, इनफ है 1500cc बहुत। बिल्कुल, क्योंकि होंडा सिटी वगैरह में भी 1500cc होता है, और कहीं भी वगैरह उसमें 1100-1200cc होता है, उससे तो बहुत हैवी है, पहाड़ों पे लेके चल जाता है। उसका बनाने का रीजन ये था ना संजय भाई, कि जो 4x4 वाली थी ना, वो लोग उसको सिटी में चला रहे थे, लेकिन वो सिटी में एवरेज नहीं निकाल के दे रही थी। बेनिफिट कुछ नहीं था यार 4x4 में, बंदा मतलब वही बात होगी ना, जहाज खरीद के बंदा साइकिल चला रहा है तो मजा क्या आएगा उसमें। बिल्कुल, तो इसलिए इन्होंने ये निकाली है। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो, पसंद उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, है ना संजय भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना सभी के साथ। बिल्कुल, बने रहिए डिस्टेंट व्हील्स ब्लॉग के साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।